स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां अब तक 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 180 चिकित्सकों की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर की गई है। उन्होंने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। 2,08,000 से ज़्यादा यात्रियों की हम लोगों ने अभी स्क्रीनिंग ने कर दी है और पूरे चारधाम रूट में लगभग 12 स्क्रीनिंग सेंटर्स और 50 से भी ज़्यादा स्क्रीनिंग पॉइंट्स हमने इस्टेब्लिश की हैं और लगभग 180 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की तैनाती पूरे चारधाम रूट में की है। चारधाम रूट की अगर बात करें तो 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी हमने वहाँ पर लगाए हुए हैं सभी चारधाम के रूट्स को मिला के, जहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है। वहीं 3 दिनों तक चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वापस देहरादून लौटे डॉक्टर आर राजेश कुमार के मुताबिक सभी विभागों के साथ बैठक कर तालमेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विभागों की समस्याओं को लेकर भी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी गई है। ऊपर जो यात्री हैं उनका हम कंपलसरी स्क्रीनिंग करेंगे और जो 50 से नीचे जो यात्री हैं उनको अगर कोई स्पेशल नीड है, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो उनको हम वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। 50 से ऊपर यात्रियों का लगभग 87,000 से ज़्यादा यात्रियों की हमने स्क्रीनिंग कर दी है और लेस देन 50 1,27,000 यात्रियों की हमने अभी स्क्रीनिंग की है। जो यात्री जो 50 प्लस हैं और ख़ासकर कोमॉर्बिड हैं उनसे हम एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें ये मेंशन किया जा रहा है कि जो भी यात्रा रूट में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो उसको भली भांति वो समझते हैं।